और बीच आपको देखिए बड़ी खबर बता दें, इंडिया न्यूज राजस्थान पर इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज राजस्थान पर। लाडनू विधायक मुकेश भाकर को मिली है धमकी, तो विधायक को धमकी मिलने का मामला, एमएलए भाकर को जान से मारने की धमकी दी गई है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, एमएलए भाकर को जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर रोहित गोदारा की तरफ से यहां पर यह धमकी दी गई है, विधायक को धमकी दी गई, लाडनू थाने में रोहित गोदारा के खिलाफ FIR। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहां पर, लाडनू विधायक मुकेश भाकर को धमकी दी गई, विधायक को धमकी देने के मामले में यहां पर FIR भी दर्ज कर ली गई है, यह बड़ी खबर। लाडनू विधायक है मुकेश भाकर जिनको धमकी दी गई, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने यहां पर अलर्ट, पुलिस ने FIR किए दर्ज, एमएलए भाकर को जान से मारने की दी गई है धमकी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, गैंगस्टर रोहित गोदारा बताया जा रहा है जिसकी तरफ से धमकी दी गई है, रोहित गोदारा के खिलाफ यहां पर कंप्लेन दर्ज की गई है, लाडनू थाने में यहां पर रोहित गोदारा के खिलाफ FIR दर्ज हुई। तो लाडनू विधायक है मुकेश भाकर जिसको जान से मारने की जिनको धमकी दी गई है, गैंगस्टर की तरफ से यहां पर धमकी देने का मामला सामने आया है, रोहित गोदारा के खिलाफ यहां पर FIR दर्ज की गई है, लाडनू विधायक को जान से मारने की मिली धमकी, यहां पर गैंगस्टर की तरफ से पुलिस ने पूरे मामले में फिलहाल देखिए FIR दर्ज कर ली है। तो लाडनू थाने में यहां पर मामला दर्ज किया गया, FIR दर्ज की गई, इस पूरे मामले यहां पर गैंगस्टर के खिलाफ FIR हुई है दर्ज। रजाउल्ला हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर, रजाउल्ला सीधे आपके पास आते हैं, देखिए यहां पर जो धमकी देने का मामला सामने आया है, यहां पर धमकी दी क्यों गई है, क्या कुछ कहा गया है, कैसे धमकी मिली है विधायक को, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही? बिल्कुल, देखिए लाडनू विधायक मुकेश भाकर की तरफ से राजस्थान का जो नागौर जिले का लाडनू थाना है वहां पर एक FIR दर्ज करवाई गई है। FIR में साफ तौर पर कहा है कि जान से मारने की जो धमकी है वो मुझे दी गई है। ये जो पूरा मामला है वो 3 अप्रैल को रात की 11 बजे का बताया जा रहा है। मुकेश भाकर कुछ काम, राजनीतिक कार्यक्रम और बिजी व्यस्त होने की वजह से इस मुकदमे को जो है दर्ज नहीं करवा पाए थे, जिसके बाद कल जो है इस पूरे मुकदमे को दर्ज करवाया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद फिलहाल जो लाडनू थाना पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। वही मुकेश भाकर ने जो FIR लाडनू थाने में दर्ज करवाई है उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि मेरे पास इन नंबर से फोन आया था, मुझसे कहा गया कि मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ और जान से मारने की धमकी मुझे दी गई है। फिलहाल मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पहले व्यापारियों को धमकी दी जा रही थी, आम जनता को धमकी दी जा रही थी, उसके बाद अब विधायकों को निशाना बनाने के लिए जो गैंगस्टर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या फिलहाल जो गैंगस्टर रोहित गोदारा है उसने खुद ने ये धमकी दी है या फिर उसके नाम पर किसी गुर्गे ने ये धमकी दी है, इन तमाम बातों को लेकर जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है। फिलहाल लाडनू थाना पुलिस जो है पूरे मामले की तहकीकात करती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, यहाँ पर देखिए जो गैंगस्टर बताया जा रहा है उसको लेकर अभी तक क्या जानकारी, क्योंकि पहली बार तो ऐसा होगा नहीं कि इसने विधायक को धमकाया होगा, इससे पहले भी इसका पिछला रिकॉर्ड खंगाला होगा पुलिस टीम ने, तो क्या इसकी कोई दुश्मनी या फिर यूं ही यहां पर धमकाने या पैसे को लेकर कोई बात यहां पर सामने आई हो धमकाने के पीछे, अभी तक उसको ढूंढने के लिए क्या कुछ कोशिश? फिलहाल देखिए अगर राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो वहां पर गैंगस्टर रोहित गोदारा की तरफ से लगातार धमकियां देने का सिलसिला जारी है। ऐसे में जो रोहित गोदारा के गुर्गे हैं, चाहे थे नीतिक बॉक्सर की बात की जाए या अन्य लोगों की बात की जाए, उन तमाम गुर्गों को जो है पुलिस पकड़ चुकी है। ऐसे में रोहित गोदारा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाहर चला गया है, जिसको लेकर रेड कॉर्नर नोटिस भी जो है जारी कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जल्दी वो पुलिस की गिरफ्त में होगा और गिरफ्त में होने के बाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए।